हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग। तो अभी मैं सुबह से जगी हुई थी और बर्तन वगैरह मैंने धो लिया है। काम हम सुबह का जितना है, खाना वगैरह, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, सब काम हम। आज है सोमवार व्रत, तो आज तीसरा सोमवार है। मैंने फर्स्ट वाला किया था, सेकेंड नहीं किया, फिर ये वाली कर रही हूँ और जो नेक्स्ट वाला आएगा वो नहीं करूँगी, बस दो ही सोमवार करूँगी, तो इस वजह से ये वाला कर लेती हूँ लास्ट। तो आज सोमवार है और पूजा वगैरह हो गया है और मैं हो गया है और अभी बज रहे हैं 11 और मुझे लगी है थोड़ा सा भूख, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और चाय आज थोड़ा जल्दी में बनाना है, इसलिए मैं ये कलछुल से बना रही हूँ चाय। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। और मैंने एक बॉटल धो करके पानी भी रख लिया है पीने के लिए, अच्छे से साफ कर ली हूँ और बॉटल में। और यहाँ पे फ्रूट वगैरह है ये देखिए, और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो आप लोग इग्नोर मारिएगा और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। एक्चुअली क्या है ना, वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते, इस वजह से मन भी नहीं करता बिल्कुल भी बनाने का, तो क्या करें। तो चलिए आज मैं पार्लर जाऊंगी, थोड़ा सा भी पूजा करके आई थी तो ये पहन रखी हूँ, ये देखिए, तो रेड कलर का आज सूट पहनी हूँ। और तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और चाय मैं पी लेती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी, क्योंकि एक तो फास्ट है, ऊपर से सुबह से मैं काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा थकावट भी हो रही है। और यहाँ ना 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जब मैंने फर्स्ट सोमवार किया था ना, उस टाइम इतना धूप नहीं था, बिल्कुल भी बारिश का मौसम था, तो काफ़ी अच्छे से मतलब फास्ट हो गया था, पता भी नहीं चला था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो चलिए चाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। तो देखिए अब हम रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ना मैं उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब सो के उठ गई थी तो पिल्लो वगैरह ठीक कर देती हूँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30, यानी कि 2:30 हो गए हैं और मैंने यहाँ पे बेड पूरा फैला पड़ा था, तो थोड़ा मैं बेड शाही कर देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के ना धागे वाला गणेश का ऑर्डर है मेरा बनाने का, तो वो मैं गणेश बनाना बैठूँगी। उसकी मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, तो उसकी वीडियो बनानी नहीं है, बस ऐसे ही गणेश बना के देनी है। तो यहाँ पे मैंने गणेश का थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला बना लिया था कल रात में और अभी थोड़ा बैठ के बना लूँगी। यहाँ पर बैठने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दीवार में थोड़ा सपोर्ट रहता है ना, इस वजह से मैं ज़्यादातर दीवार में सट के ही इस तरीके से आराम से बैठ करके बनाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, तो इस पर एक फुल डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ अकेले, क्योंकि अभी मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, इसको तो मैंने दिन में शूट किया था और जब एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी रात का टाइम है और गाड़ी वगैरह का काफ़ी आप लोगों को शोर शराबा मिल रहा होगा और मुझे ना ऐसे बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये झुक के बनाना पड़ता है ना, तो मेरी पीठ अकड़ जाती है पूरी और हाथ में भी छाले पड़ जाते हैं। तो इसका भी मैंने एक अलग से चैनल बना के रखा है, जैसे माइक्रम का घर के डेकोरेट के लिए गणेश है, मिरर है, झूला है, ये सब का, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप चाहे तो इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देख करके सीखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात कहनी थी कि मेरा बिल्कुल भी, सच कहूँ ना, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, व्यूज़ नहीं आते, आप लोग सपोर्ट नहीं करते और वीडियो देखते हो ना तो फुल भी वॉच नहीं करते हो, तो मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब काफ़ी महीने साल अब होने वाले हैं चैनल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन एक भी पेमेंट, एक भी पैसा नहीं आया है मेरे यूट्यूब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे ना 2 साल से काम कर रही हूँ, 2-2.5 साल से, तो अब आप मेरी वीडियो में जाके चेक करोगे तो आप बोलोगे कि मैं 2-2.5 साल से काम कर रही हूँ लेकिन वीडियो इतना कम क्यों अपलोड की हूँ। उसका भी रीज़न है, बहुत सारा वीडियो है जो मैंने प्राइवेट कर दिया है, बहुत सारे वीडियो हैं, लगभग 2
लगभग ना 200-250 के आसपास मैंने जो है उसमें से 100-150 वीडियो प्राइवेट कर रखा है, और उसके बाद बहुत सारे वीडियो मैंने अब डिलीट भी कर दिया है, क्योंकि एक होता है ना डीमोटिवेट होते हैं जब हम, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे हम सब छोड़ दें, अब वीडियो कभी बनाए ही नहीं, तो बस वही हाल हुआ और डीमोटिवेट होकर के मैंने बहुत सारे वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं और बहुत सारे प्राइवेट भी कर दिए हैं। बहुत दिन तक मैंने वीडियो डालना ही छोड़ दिया था, जैसे अभी भी मेरा वही हाल हो रखा है, बहुत डीमोटिवेट हो गई हूँ, वीडियो नहीं बनाने का मन करता है, वीडियो भी 2-4 दिन या कभी कभी 1-1 सप्ताह पर एक वीडियो आती है। तो प्लीज़ आप जितने प्यार सबको देते हो उतना ही प्यार मेरे इस चैनल को भी दो, मेरे जितना भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जो है ना प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, घर में जितने सारे फ़ोन हैं सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को वॉच करिए, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने चैनल को लेकर के, अगर नहीं फाइनली मुझे चैनल को छोड़ देना चाहिए तो कमेंट करके ये भी बताइए, मैं हमेशा के लिए इस चैनल को भूल जाऊँगी, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एक हाउसवाइफ होने के बाद मैं कितना मतलब मेहनत करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं ये भी है कि मेरा एक और चैनल है वो तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि उस चैनल को मैंने उस पर जितने भी जो डिज़ाइन डाले हैं वो ऑर्डर से मैं बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि उतने सारे डिज़ाइन मैं बना कर के करूँगी क्या। मैंने ऑनलाइन भी सेल करने का काफ़ी सोचा, लेकिन ऑनलाइन सेल करने से पहले वहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे मतलब होते हैं ना काम होता है, जैसे कि ऊपर से अगर मुझे कोई भी सामान सेल करना है ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे, पहले 10,000 रुपये मेरे से डिमांड किया गया था कि पहले 10,000 मैं उसमें लगाऊं, उसके बाद मैं अपना सामान वहाँ पे सेल कर सकती हूँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ। बस मेरी लास्ट और आखिरी उम्मीद जो है ना इसी चैनल से है कि मेरा ग्रो करे चैनल, तो मुझे कुछ फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग मेरे को सजेस्ट करो कि क्या मुझे फाइनली चैनल को छोड़ देना चाहिए, मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।